देखो मैट्राइसेस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैट्राइसेस में जो है पहले हमें यहाँ पर देखना है एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, माइनर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर वगैरह जो है वो सब आप लोगों को पता ही है। कोफैक्टर हो गया, फिर माइनर हो गया, फिर उसके बाद इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कब फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को जो 12th स्टैंडर्ड का मैट्राइसिस है वो अच्छे से याद होगा। याद है कि नहीं याद है? हाँ, ठीक सो देखो इनवर्स ऑफ मैट्राइसिस, इनवर्स ऑफ मैट्राइसिस जो है, या फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो कहते हैं हम लोग, वो सब बेसिक जो है मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ये सब तो सबको पता ही है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्राइसेस। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कब हम फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है और एक जो है एडजॉइंट मेथड है, जो हमारे सिलेबस में थे। तो फर्स्ट मेथड जो है एडजॉइंट मेथड है, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। सो ए इनवर्स जो है एडजॉइंट मेथड से, उसके लिए फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनटू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, सो ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, और उसके बाद में कुछ यहाँ पर नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को जो है बाद में बता देता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर एडजॉइंट के लिए। फिर उसके बाद जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई होता है। और जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है पहले इनवर्स पहले आता है फिर बाद में ए आता है, इज इक्वल्स टू आई होगा। तो सबको रिमेम्बर होगा ये सब कि लास्ट ईयर जो है मतलब हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे तब हम लोगों ने मैट्राइसिस पढ़ा था। ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई होता है। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर एडजॉइंट मेथड के लिए फॉर्मूला हो गया, कोफैक्टर और माइनर फाइंड करने के लिए सभी को फॉर्मूला जो है वो तो पता ही है, और फिर एक इनवर्जन के लिए फॉर्मूला होता है, मेथड ऑफ इन्वर्जन के लिए ये फॉर्मूला होता है, मेथड ऑफ इन्वर्जन के लिए थर्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर AX इज इक्वल्स टू B। इन्वर्जन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? AX इज इक्वल्स टू B होता है, AX इक्वल्स टू B होता है। यहाँ पर X इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स इनटू B लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों को कुछ शॉर्टकट्स है यहाँ पर, ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स है यहाँ
शॉर्टकट्स देखो यहाँ पर क्या क्या होंगे इसके। हाँ शॉर्टकट्स में यहाँ पर फर्स्ट है, अगर ए के लिए मैट्रिक्स गिवन है, ए के लिए मैट्रिक्स गिवन है ए 0 0 0, बी 0, फिर 0 0 सी है, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स है, तो अच्छा जैसे ए के लिए ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। देन ए रेस टू एन जो होगा ना, देन ए रेस टू एन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो नंबर है ना उनके पावर में भी एन आ जाएगा, बाकी सब जो है सेम रहेगा। 0 0 0 और यहाँ पर भी 0, बी रेस टू एन और ये 0, और यहाँ पर भी 0 0 और सी रेस टू एन। इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पर इसका जो इनवर्स होगा, ठीक है, इसका अगर यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू ऐसा दिया है, ए 0 0 0 बी 0, यहाँ पर इफ लिखो, इफ इफ ए इक्वल्स टू ये है तो देन ए रेस टू एन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, और उसका जो इनवर्स होगा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हो जाता है यहाँ पर, उसका इनवर्स में मतलब सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर। 1 अपॉन ए 0 0, फिर ये 0, 1 अपॉन बी और ये फिर 0, फिर यहाँ पर 0 0, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/c हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, कभी भी अगर हमें जैसे अपर ट्रायंगुलर मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म, स्केलर नहीं बोल सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स, तो जब डायगोनल मैट्रिक्स दिया होगा तो वहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि हमें ए के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें ए के लिए मैट्रिक्स दिया है, ए के लिए मैट्रिक्स दिया है 1 2 और 3 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, ये सब भी 0 है। अगर हमें फाइंड करने के लिए पूछा है यहाँ पर, फाइंड करो, फाइंड करो ए रेस टू 3, तो ए रेस टू 3 जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा बताओ आप लोग। 1 0 0 0 8 0 0 0 22 1 0 0 0, अच्छा 1 का क्यूब तो 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और फिर 3 का क्यूब 27 आ गया, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। समझा ये सभी को अच्छे से, आया ना? यस सर। हाँ, तो जब भी याद रखना जब हमें डायगोनल मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, जब हमें डायगोनल मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका जो पावर होता है या फिर उसका जो रेसिप्रोकल होता है, सॉरी इनवर्स होता है, वो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये याद रखना कभी भी जब हमें 2x2 मैट्रिक्स दिया है, 2x2 मैट्रिक्स अगर दिया रहेगा तो हम वहां पर इनवर्स जो है वो बार बार फाइंड नहीं करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लिख लो, इनवर्स मैट्रिक्स जब हमें फाइंड करना होगा, जैसे ये सेकेंड पॉइंट है यहाँ शॉर्टकट में, जैसे हमने समझ लो यहाँ पर ए के लिए दिया है, ए के लिए दिया है ए बी और सी और डी दिया है, ए बी सी डी दिया है, अच्छा। और यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है, इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है जब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा यहाँ पर ए डी माइनस बी सी, और ये वैल्यू जो है कभी भी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें इनवर्स कैलकुलेट करना होगा, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है इनटू एडजॉइंट ए होता है, ठीक है। तो ये याद रखो आप लोग, जो यहाँ पर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन है, ए डी माइनस बी सी है, ठीक है, क्या है, ए डी माइनस ऑफ बी सी है। और एडजॉइंट ए जो है, एडजॉइंट ए के लिए फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, जो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, मतलब दोनों डायगोनल्स को एक काम करो, यहाँ पर जो फर्स्ट एक ही डायगोनल होता है मैट्रिक्स में, तो ए और डी को चेंज कर देना है, ए और डी को चेंज कर देना है, मतलब डी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, और बी और सी वैसे रखेंगे लेकिन यहाँ पर साइन दोनों का चेंज हो जाएगा। समझा क्या ये सबको, कैसे इनवर्स हमें यहाँ पर शॉर्टकट निकालना है, शॉर्टकट मेथड से इनवर्स कैसे फाइंड करना है, समझा सभी को। एक एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लो, ए के लिए हमें मैट्रिक्स दिया है, ए के लिए मैट्रिक्स दिया है 1 1 3, और यहाँ पर दिया है 2, और यहाँ पर दिया है 7 दिया है, ठीक है। इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला देखो ध्यान से क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डी बी सी है, ठीक
अच्छा तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 7 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब उसके बाद में ए और डी का पोजीशन चेंज कर देना है, तो ये जो है 7 7 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और ये 3, दोनों का साइन क्या आएगा, माइनस माइनस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1। ये सभी को समझा अच्छे से सम? यस सर। बाकी लोगों को किसी को डाउट है? ओमकार, रुतिका, साइले, अनिशा, हर्षदा, आदित्य, कुछ डाउट है किसी को भी इसमें? जब भी हमें इनवर्स फाइंड करना होगा ना, तभी भी क्या याद रखना है आपको, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो है वहां पर हम लोग डायगोनल का पोजीशन चेंज करके, जैसे यहाँ पर डायगोनल देखो क्या है, ए ए बी है, ए बी है और सी डी है, तो इसमें क्या करना है, इसका इनवर्स अगर फाइंड करना होगा तो एडजॉइंट अगर फाइंड करना है, एडजॉइंट अगर फाइंड करना है तो पहले बी और डी को चेंज कर दो, बी और ए को चेंज कर देना है, तो सॉरी बी और ए और डी को चेंज करना है, ए और डी को, तो डी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस बी और ये माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर तो अपना 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहेगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से एक बार देख लो, फर्स्ट पेज में कहीं पर भी डाउट है क्या, एक बार देख लो, ये नोट डाउन कर लो। हो गया ये? हाँ, नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज ये भी नोट डाउन कर लो। हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, मतलब ये सम्स के लिए, ये सब नोट डाउन कर लो अच्छे से। सर ऑर्डर 3 का कोई शॉर्टकट है सर एडजॉइंट निकालने का? क्या बोल रहे हो सर, ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट का कोई शॉर्टकट है क्या सर? उसके लिए ना मैं बताता हूँ आपको, मतलब जब सम सॉल्व करने के लिए जाएंगे ना तब मैं बताता हूँ। ओके सर। हाँ, हो गया ये सभी का कंप्लीट करके? हाँ, लास्ट पार्ट देखो इसका, बताया करो। हाँ, हो गया करके, ये देखो इसका इनवर्स कैसे फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला है। हाँ, याद रहना चाहिए ये।
हाँ देखो, इसके बाद जो है ये वापस यहाँ पर थोड़े से और फॉर्मूलाज लिखना। अच्छा, इनवर्टिबल का मतलब ही क्या होता है? इनवर्स होता है। हाँ, याद रखो, इनवर्टिबल मतलब ही क्या होता है वहां पर? इनवर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उस मैट्रिक्स का वापस से इनवर्स कैलकुलेट करोगे ना, तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा वहां पर, तो ये याद रखना है। और अगर इसके बाद में जैसे समझ लो, ये हमें किसी भी मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज हमने फाइंड किया और उसका इनवर्स कर दिया। एक ट्रांसपोज फाइंड कर किया पहले, और फिर उसका क्या किया? इनवर्स किया। या फिर इनवर्स करके ट्रांसपोज फाइंड करो, दोनों के वैल्यूज जो है हमेशा क्या आएंगे? इक्वल आ जाएंगे। दोनों के वैल्यूज क्या आएंगे? इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पर क्या, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था स्टेप? लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें ट्रांसपोज निकालना है, फिर उसका इनवर्स निकालना है। यहाँ पर पहले इनवर्स निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो वो दोनों वैल्यूज हमेशा मतलब हमेशा वहां पर क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये याद रखो। हाँ ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप लोग। और फिर उसके बाद में जो है और कुछ फॉर्मूलेज हैं। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन देन यहाँ पर एडजॉइंट के लिए कुछ फॉर्मूला है। हाँ, यही याद रखना, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है ना, वो हमेशा इक्वल होगा। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा ए टू द पावर एन माइनस वन। ए टू द पावर क्या होगा? एन माइनस वन होगा। यहाँ पर एन क्या है? ऑर्डर है। हाँ, यहाँ पर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन माइनस वन हो जाता है। और अगर यहाँ पर जैसे कि हमें और एक एडजॉइंट दे दिया है बाहर, ठीक है, एक और एडजॉइंट दे दिया, जैसे कि समझ लो इसका फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन माइनस टू इंटू ए। फॉर्मूलाज याद रखो। हाँ, फॉर्मूलाज हमें आगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर? ये जो है एडजॉइंट मतलब जब ए और बी दो मैट्रिक्स होंगे, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ए और बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूलाज हो गए। और एक लास्ट है, जैसे समझ लो एडजॉइंट ए बी फाइंड किया, एडजॉइंट ए बी हमने फाइंड किया, उसका आंसर जो है ना वो हमेशा ऐसे इक्वल होगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसके इक्वल आना चाहिए। ये फॉर्मूलाज लिख लो। हाँ, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को सम सॉल्व करने के लिए। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। रिडक्शन मेथड जो है तो हम डायरेक्ट वो करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स हो गया, फिर उसके बाद जो है इनवर्स हो गया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लोगों ने देखा इनवर्स कैसे निकालते हैं, और फिर उसके बाद जो है वहां पर एडजॉइंट मेथड क्या है, इन्वर्जन मेथड क्या है, फिर उसके शॉर्टकट हमने देखे, ठीक है। ये एक बार नोट यहाँ पर है, नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग जो है सम स्टार्ट करते हैं।
डन सर। हाँ हो गया ये ना लिख के सबका। चलो देखते हैं हम लोग फर्स्ट सम यहाँ पर देखो क्या दिया है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पर पहले हम लोग सम सॉल्व करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए। और ये जो है बाकी लोग भी रिस्पांस दो। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें a इक्वल्स टू 2 - 2 है और यहाँ पर -2 और 2 है। b इक्वल्स टू यहाँ पर 1 1 1 1 है। देन ऑप्शंस यहाँ पर दिया है कौन सा करेक्ट होगा। देन a इनवर्स इज इक्वल्स टू b के इक्वल होगा या फिर b इज इक्वल्स टू मतलब b इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया है। बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है और सी के लिए पॉइंट है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोगों के हिसाब से। ऑप्शन ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों होगा। अच्छा डी होगा सर। डी डी होगा। सर बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है सर। इनवर्स के लिए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। हाँ। तो देखो पहली बात तो ये इन फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल क्योंकि उसमें ए इनवर्स बोला है। ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि वहां पर ए इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि 2 × 2 करोगे तो 4 आ जाएगा और वापस वहां पर -4। तो डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है अगर वो फाइंड करोगे तो ये 4 आ जाएगा और -4 ये इक्वल टू 0 आ गया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और बी के लिए सॉल्व करो बी के लिए। सो डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1 - 1 ये भी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो बी इनवर्स जो है ये भी क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है तो जब ए और बी एग्जिस्ट नहीं होगा ठीक है ए और बी एग्जिस्ट नहीं होगा इनवर्स उसका तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन डी मिल जाएगा। सभी को समझाइए अच्छे से सम। यस हाँ अच्छा नेक्स्ट सम देखो क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया है यहाँ पर। द मैट्राइसेस द मैट्रिक्स सॉरी द मैट्रिक्स 1 1 2 a 2 1 2 5 1 2 5 1 इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इफ ए हैज द वैल्यू इफ ए हैज द वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 2 सेकेंड ऑप्शन है 1 थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है -1। तो ये ट्राई करके बताओ आप लोग कितना आ जाएगा। इसमें ये बोला गया है नॉट इन्वर्टिबल। हाँ नॉट इन्वर्टिबल मतलब क्या हो जाता है वहां पर कि इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा इसका मतलब जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। हाँ या ना। सर वैल्यू 1 आ रही है सर इनकी। अच्छा वैल्यू 1 आ रहा है और किसी को आया क्या। ओमकार आया क्या। ओमकार हर्षदा निशा अदिति रुतिका ट्राई करो आप लोग भी।
मैं सॉल्व करूं? हाँ सर, देखो क्या है यहाँ पर, जब नॉट इन्वर्टिबल है, नॉट इन्वर्टिबल कब होता है? नॉट इन्वर्टिबल कब होता है? जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू जीरो होता है। हमेशा याद रखना, नॉट इन्वर्टिबल तभी होता है जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू जीरो आता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ जो है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, वन वन टू, और फिर ये जो है ए टू वन, ठीक है, और यहाँ पर टू फाइव, और ये वन आ गया, इसका वैल्यू जो है वो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, इक्वल टू जीरो आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले जो है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो वन है उसको हम लोग वैसे रखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू तो आप लोगों को फाइंड करने आता ही है, तो पहले वन लिखोगे तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, मतलब ये वाले पार्ट का, इतना पार्ट का जो है मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो टू इंटू वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और फाइव इंटू वन क्या हो जाएगा, फाइव। सो क्या मिलेगा हमें, टू माइनस फाइव मिल जाएगा। ये सबको आता है सॉल्व करने ना, प्लस ए को क्या लिखोगे, माइनस से लिखोगे, और इसके लिए वन माइनस टेन आ जाएगा, और प्लस टू लिखना है, और फिर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, वन माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो ये टू माइनस फाइव कितना होगा, टू माइनस फाइव जो है माइनस थ्री आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस नाइन, माइनस नाइन और माइनस से तो यहाँ पर प्लस नाइन आ जाएगा, नाइन ए, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, फोर, मतलब ये कितना होगा, माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये माइनस थ्री और माइनस सिक्स कितना आ जाएगा, प्लस मतलब माइनस नाइन आ गया, वो साइड गया तो प्लस नाइन हो गया। सो ए का आंसर कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। देख लो ये एक बार, कुछ डाउट है क्या इसमें? डन सर। हाँ, तो इसमें कहीं पर भी डाउट है क्या किसी को? हाँ, देखो ये जो है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा पूछा गया है, द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स यहाँ पर है लैम्डा, और फिर ये है माइनस थ्री, और यहाँ पर है माइनस वन, और ये माइनस वन जीरो वन है, और यहाँ पर फोर वन टू है, क्या है, फोर वन टू है, इज इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल इफ इफ फर्स्ट पार्ट है इसमें, लैम्डा इसे लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15, बी ऑप्शन है लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 17, और सी ऑप्शन है लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16, और डी ऑप्शन है लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 18 है। तो अच्छा, इन पहले वाले सम, इसके पहले वाला सम जो हमने सॉल्व किया उसमें क्या था, वहां पर जो है नॉट इन्वर्टिबल था, यहाँ पर इन्वर्टिबल है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाता है बताओ, अगर नॉट हाँ, तो ये डिटर्मिनेंट मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आप लोग सॉल्व करो इसमें, बताओ कितना आएगा, ये डिटरमिनेंट को ना नॉट इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर बताओ, 2 मिनट है आप लोगों के पास। -17
ऑप्शन बी है सर। हाँ करेक्ट है, -17 आता है, बराबर है। और सबको आया क्या? हाँ ठीक है, तो -17 आ गया सबको ना। है अच्छा, इसके बाद देखो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यहां पर है अल्फा, अल्फा 14 और -1 है, और ये 2 3 1 है, 6 2 3 है, ठीक है। ऐसा बोला गया है इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist, if the inverse of the matrix is does not exist, then the value of यहाँ पर alpha, then the value of alpha is, first option है यहाँ पर 1, second option है -1, third option है 0 और last option है -2। चलो ये try करो सब। सर -2, माइनस ऑफ कितना आ रहा है? अच्छा और किसी ने सॉल्व किया? और किसी ने ट्राई किया क्या? क्या रहा है? मैं सॉल्व करूं या नहीं करूं ये तो बता दो तुम लोग। बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा तुम लोग? आवाज आ रही है? चलो फिर नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है। अच्छा ओमकार नहीं आया सम, वो अच्छा नहीं आया। देखो ये कैसे सॉल्व करोगे, डज नॉट एग्जिस्ट बोला है, तो जब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू जीरो है। वहां पर भी जो डिटरमिनेंट है ना ओमकार, वहां पर उसका वैल्यू जो है वो इक्वल टू जीरो है। अल्फा 2 14 3 2 14 3 2 और -1 1 और ये 3 है, ये इक्वल टू जीरो आ जाता है, इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो अल्फा ये वैसे रहेगा, यहाँ पर 9 -2, यहाँ पर -14, ये 6 -6 आ जाएगा, -1 और ये 4 -18 इक्वल्स टू जीरो आ जाता है। तो ये 7 अल्फा हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा सेकंड वाला पार्ट, और ये -14 और ये +14 आ जाएगा। अच्छा तो अल्फा इज इक्वल्स टू -2 आ गया। मोहम्मद यही मिला था ना?
हाँ मोहम्मद, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 1 है, और फिर 1 1 2 है, और फिर इसके बाद 0 5 1 है, 0 5 1 है, देन देन यहां पर ऐसा बोला है a11 into a11 प्लस a12 into a21, ठीक है, सॉरी 2 2 है यहाँ पर, हाँ 2 2 है और यहाँ पर 2 1 है, ये a21, यहाँ पर a22 है, फिर ये जो है a13 into a23 है, इक्वल्स टू यहाँ पर ऑप्शन है, ए के लिए है ऑप्शन 0, बी के लिए ऑप्शन है 1, सी के लिए ऑप्शन है -1, और डी के लिए ऑप्शन है 2। सो देखो वहां पर क्या दिया है हमें, ये एक्सप्रेशन दिया है a11। अच्छा कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, को फैक्टर होगा ना सर। हाँ वो जो है को फैक्टर है, वो जो है को फैक्टर है, यहाँ पर जो है वो को फैक्टर है। हाँ सो को फैक्टर है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो को फैक्टर के लिए पहले तो मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग। मैट्रिक्स क्या है, वहां पर ए इज इक्वल्स टू 1 2 1, फिर उसके बाद 1 1 2, और फिर 0 5 1, 0 5 1 है, ठीक है, देन देन हमें यहाँ पर देखो, अच्छा स्मॉल a11 कितना है, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर 1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a12 कितना आ जाएगा, a12 भी 1 है, और a13 जो है वो कितना है, यहाँ पर 0 है। अच्छा तो हमें जो लास्ट वाला पार्ट है वो तो सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि वो 1 3 का पार्ट पूरा 0 आ जाता है। को फैक्टर किसका निकालना था, 2 1 के लिए, 2 1 के लिए हमें को फैक्टर फाइंड करना था, तो इसका पहले माइनर फाइंड कर लेते हैं। माइनर क्या आ जाएगा 2 1 के लिए, देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, देखो सेकेंड रो मतलब ये आ जाएगा और फर्स्ट कॉलम मतलब ये आ जाएगा, तो 1 0 2 1 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 0 2 1, तो ये 1 0 2 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा 2 1 ऑड नंबर है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जब ऑड नंबर होता है तो यहाँ पर साइन चेंज होता है कि नहीं होता है, -2 हाँ चेंज हो जाएगा, -1 आ जाएगा। m22 कैलकुलेट करो, m22 जो है वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखोगे तो 1 0 और 1 1 आ जाता है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो देयरफॉर a22 जो है यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, a11 into a21 प्लस a12 into a22 प्लस a13 into a22। अच्छा तो अगर a11 देखोगे तो 1 है, तो 1, और a21 -1 है, 1 2 देखो 1 है और यहाँ पर भी ये 1 है। अच्छा a13 0 है तो पूरा 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर -1 + 1 ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, देख लो ये एक बार पहले क्वेश्चन अच्छे से, क्वेश्चन देखो, हाँ सबसे पहले क्वेश्चन देखो, समझा क्या आप लोगों को क्या करना था उसमें। ये पार्ट देख लो, कहीं पर भी डाउट है क्या इसमें,
अच्छा इसके बाद देखो जो है यहाँ पर हमें ऐसा दिया है इफ एक्स इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पर ऐसा पूछा गया है इफ एक्स इज इक्वल्स टू, इफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, और यहाँ पर जेड है और यहाँ पर टी है, ठीक है, देन देन ट्रांसपोज ऑफ, देन ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट एक्स, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट एक्स इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शंस है, ए के लिए ऑप्शन है टी जेड माइनस वाई माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, बी के लिए ऑप्शन है, बी के लिए ऑप्शन है टी वाई माइनस ऑफ जेड माइनस ऑफ एक्स, और लास्ट में जो है सी के लिए ऑप्शन है टी माइनस ऑफ जेड और वाई माइनस ऑफ एक्स है, और लास्ट ऑप्शन है डी के लिए यहाँ पर नन ऑफ दिस। अच्छा थोड़ी देर पहले देखो हमने ट्रांसपोज फाइंड करने इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था शॉर्टकट मेथड क्या है, उसमें हमने ये देखा था एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। तो जो हमें मैट्रिक्स एक्स दिया है उसको आप लोग वैसे ही रखो, पहले एक्स के लिए यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, और यहाँ पर जेड है और यहाँ पर कौन है टी है। अच्छा तो अब हम एक काम करते हैं इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका, कौन कौन चेंज होता था बताओ सर, माइनस एक्स और टी इंटरचेंज हो जाएगा सर। हाँ माइनस एक्स और टी इंटरचेंज हो जाएगा, करेक्ट, तो ये बन जाएगा यहाँ पर टी, यहाँ पर बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स, और ये जेड और वाई का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस जेड हो जाएगा और ये प्लस वाई हो जाएगा, समझाइए सभी को। आया ठीक है, हाँ तो ये जो है यहाँ पर हमने क्या किया एडजॉइंट एक्स फाइंड कर लिया है, मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से। अच्छा एडजॉइंट मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना था, ट्रांसपोज फाइंड करना था। अच्छा ट्रांसपोज में होता क्या है, जो रो और कॉलम होता है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, तो रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये बन जाएगा टी वाई और यहाँ पर माइनस जेड और माइनस एक्स हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, तो ये देख लो अच्छे से, कहीं पर भी डाउट होगा तो पूछो। हाँ किसी को है क्या इसमें डाउट, वो सॉल्व नहीं करते बैठना है, माइनर को फैक्टर वगैरह कैलकुलेट करते नहीं बैठना है, डायरेक्ट सॉल्व करोगे। किसी को डाउट है ये प्रॉब्लम में? अच्छा ये एडजॉइंट फाइंड कैसे किया समझा सभी को? हाँ सो नेक्स्ट सम स्टार्ट करो। हाँ देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, लेट ए इज इक्वल्स टू, लेट ए इज इक्वल्स टू, यहां पर दिया है हमें वन फाइव माइनस वन है
और फिर 026 है और फिर ये 001 है. देन द एडजॉइंट ऑफ ए, देन द एडजॉइंट ऑफ ए. अच्छा इसका ए का एडजॉइंट फाइंड करके बताओ सब लोग. एडजॉइंट ऑफ ए इज, इसका एडजॉइंट फाइंड करो सब लोग. पहले सबसे क्या करोगे, पहले यहां पर जो है माइनर फाइंड करोगे. पहले सबसे पहले माइनर फाइंड करो, फिर उसके बाद को फैक्टर फाइंड कर लेना, और फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोज कर लेना को फैक्टर का, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर. तो हमें क्या मिल जाएगा वहां पर, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा. माइनर फाइंड करने के लिए आता है ना सबको. करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है. ठीक है, माइनर फाइंड करो, फिर को फैक्टर फाइंड करो, और फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोज कर दो को फैक्टर का, तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा. चलो ये स्टार्ट करो सभी लोग. सर मिल गया सर. क्या मिला? -400 -510 -532 -62 -32. एक बार वापस रिपीट करना. -400 -510 -532 -62. अच्छा क्या मिला, माइनर मिला कि पूरा मैट्रिक्स आंसर बता रहे हो? अच्छा अच्छा नहीं लेकिन रॉन्ग है यहाँ पर. ये ओ, ओ ये मोहम्मद, ये रॉन्ग है. ओम कर रहा सॉल्व किया. बताओ कितना रहा है. मैं सॉल्व करूं क्या? देखो आप लोग सॉल्व भी नहीं कर रहे और बता भी नहीं रहे हो, मतलब सॉल्व करना है कि नहीं करना है, तो कैसे फिर मैं ही बुक पढ़ाऊं और मैं ही आंसर भी करूं, तो फिर वो कैसे चलेगा? एटलीस्ट हाँ या ना कुछ तो रिस्पॉन्स आना चाहिए ना. एडजॉइंट ऑफ ए अगर फाइंड करना है तो देखो कैसे फाइंड कर सकते हो. यहाँ पर इसको पहले सबसे पहले माइनर कैलकुलेट कर लो. माइनर कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये पहले M11. अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है वो डिलीट कर देते हैं. तो जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दोगे तो 2061 बचेगा. देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो तो 2061 बचेगा. ठीक है, तो 2061 का अगर डिटरमिनेंट निकालोगे तो 2 आ जाएगा. ठीक है, अच्छा 12 के लिए देखते हैं. 12 अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है. क्या है, फर्स्ट रो
और सेकेंड कॉलम है ये, तो क्या क्या नंबर्स बचेंगे, 50 -1 +1, 50, अच्छा तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 आ जाएगा, 13 के लिए देखो, 13 के, हाँ बोलो सर, 200 -5 -10 -32 -50, अच्छा अच्छा क्या आ रहा है, 200 -5 -10 -32 -62, अच्छा हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है ऑप्शन में वो नंबर, यस सर, हाँ 13 के लिए वो क्या, हाँ 13 के लिए जो है क्या आ जाएगा यहाँ पर, 6 और 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा, जैसे फर्स्ट रो के लिए सॉल्व किया वैसे सेकंड रो के लिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो तो हो जाएगा वहां पर 1 में से 0 0 आ जाएगा ओवरऑल, फिर ये 2 2 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये 1 आ जाएगा, और फिर उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 1 के लिए देखते हैं, 3 1 के लिए क्या आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 0 आ जाएगा, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम उसके लिए जो है थर्ड रो सेकेंड कॉलम के लिए ये भी 0 आ जाएगा, और फिर लास्ट के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम उसके लिए 2 आ जाएगा, अच्छा माइनर हो गया, अब को फैक्टर निकालते हैं, को फैक्टर के लिए और इवन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, अगर ऑड है वहां पर तो साइन चेंज करोगे, 1 1 के लिए चेंज नहीं होगा, 1 2 के लिए चेंज हो जाएगा क्योंकि वहां पर ऑड नंबर आ जाएगा, 1 2 के लिए -5 आ जाएगा, 1 3 के लिए +32 आ जाएगा, 2 1 के लिए जो है 0 आ जाएगा, 2 2 के लिए जो है 1 आ जाएगा, 2 3 के लिए जो है -6 आ जाएगा, फिर 3 1 के लिए, 3 1 के लिए भी 0 रहेगा, 3 2 के लिए भी 0 रहेगा, और फिर उसके बाद जो है 3 3 के लिए, 3 3 के लिए यहाँ पर कितना रहेगा, ये जो है 3 3 के लिए भी, एक सेकेंड, 3 3 के लिए भी ये 2 रहेगा, माइनर हो गया, को फैक्टर हो गया, ठीक है, माइनर हो गया और को फैक्टर हो गया, एक सेकेंड, अच्छा तो ये हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है, तो इसका जो है अगर आप लोग एडजॉइंट कर लोगे, मतलब ट्रांसपोज करोगे तभी हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलता है, अच्छा तो मोहम्मद आपने ट्रांसपोज नहीं किया था, नहीं तो फिर ट्रांसपोज करने के बाद में तो यहाँ पर ऑप्शंस, अच्छा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आपने तो यही नंबर बताया था ना, ऐसे बताया था क्या, मतलब आपने रो वाइज बताया था कि कॉलम वाइज बताया था, रो वाइज बताया, हाँ फिर करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, फिर तो एडजॉइंट ए जो होगा हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर, पहले जैसे 2 -5 और 32 था ना यहाँ पर, तो ये 2 -5 और 32 आ जाएगा, सेकंड के लिए हो जाएगा वहां पर, सेकंड के लिए हो जाएगा 0 1 -6 और थर्ड के लिए हो जाएगा वहां पर 0 0 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा ये देखो सम जो है JEE में आ चुका है, सम इसमें ऐसा पूछा गया है, ये क्वेश्चन में देखो ये यहाँ पर क्या दिया है, इफ ए इज इक्वल्स टू 2 -4 -3 और 1 है, देन एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो a के लिए यहाँ पर ऑप्शन है 72 -63 -84 और +51, b के लिए ऑप्शन है स्टूडेंट्स यहाँ पर 72 और -63 और फिर -84 और +51 है, सी ऑप्शन है यहाँ पर
सी के लिए ऑप्शन है 51, 51, 84, 63, 72 और डी ऑप्शन है 51, 84 और फिर ये 63, 72। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर जो है ऑप्शन है इसके, तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। ये ए के लिए हमें मैट्रिक्स गिवन है और पूछा गया है एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ, मतलब हिंट बताओ क्या कर सकते हो इसमें। पहले ए स्क्वायर कर देंगे फिर उसके बाद बी से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। क्या कह रहे हो सर? पहले ए स्क्वायर करेंगे सर और वो यूज करेंगे ए सर। बराबर बराबर, पहले हम जो है ना एडजॉइंट के अंदर जो पार्ट है वो वैल्यू हम लोग पहले फाइंड करते हैं, तो वो वैल्यू क्या है वहां पर 3a² + 12a है, 3a² + 12a है। अच्छा तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिखोगे 2, 4, -3 और 1 है, 2, 4, -3 और क्या है वहां पर 1 है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड सिर्फ, हाँ देखो ये जो है ए के लिए मैट्रिक्स क्या दिया है, ए के लिए मैट्रिक्स दिया है 2, -3, -4 और 1 दिया है। अच्छा एडजॉइंट के अंदर वहां पर क्या था, 3a² + 12a था, तो हम लोग ये फाइंड करते हैं। तो 3 times of a² को क्या लिखोगे, a into a लिखोगे और 12 times of यहाँ पर a है। अच्छा तो ये हो जाएगा 3 times of a के लिए क्या है यहाँ पर, a के लिए जो है, a के लिए जो है 2 - 4 - 3 और 1 है, और फिर वापस जो है 2 - 4 और -3 और 1 है, और फिर यहाँ पर जो है 2 - 4 और -3 और 1 है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर मैट्रिक्स। अच्छा पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों को जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन आता ही होगा सबको, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और फिर 2 × सेकेंड वाले कॉलम में -3 और ये मतलब -6 हो जाएगा और -3 आ गया ये। उसके बाद ये जो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पहले -8 और ये -4 हो जाएगा, और फिर माइनस ऑफ माइनस ये +12 और ये +1 आ जाता है, और प्लस क्या है यहाँ पर 2 - 4 - 3 और 1 है। ठीक है, तो अब इसका जो है हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 और ये -9 ये -12 ये +13 और यहाँ पर कौन है 3 है। हाँ बोलो क्या क्या कह रहे हो, अच्छा हाँ 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 यहाँ पर 12 भी है, तो 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 × 2 कितना होगा 24, यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर 48 होगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा। करेक्ट है, अभी अभी हम लोग क्या करते हैं इसको भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 16 × 3 = 48 आ जाएगा, नहीं 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 हाँ 48 आ जाएगा, ये 9 × 3 कितना होगा जो है 27 आ गया, ये 36 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 39 प्लस इसको भी जो है वैसे रखो 24 - 36 - 48 + 12 है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जो है ऐड कर दो, 48 और 24 कितना हो जाएगा 48 और 24 जो है 72 हो जाएगा, 72 होगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 72, और फिर उसके बाद में वहां पर था, वहां पर नंबर था, एक सेकेंड,
-27 और -36, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा वहां पर 13, 13 हो जाएगा और ये 63 आ गया, 63 आ जाएगा माइनस में, तो ये लिखेंगे यहाँ पर -63। और फिर वापस दोनों नंबर्स को देखो वहां पर प्लस करते हैं, -36 और -48, -36 और -48 कितना हो जाएगा, ये जो है 8 और 6 14, 14 कैरी 1 हो गया, 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, सो ये माइनस ऑफ 84। और लास्ट जो नंबर है उसका क्या हो जाएगा वहां पर 12 और 39 51 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 51 आ जाएगा। अच्छा तो हमें यहाँ पर ये 3a² + 12a मिल गया, तो 3a² + 12a ये इसके इक्वल आ गया, 72 -84 और -63 और यहाँ पर 51 है। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट के लिए शॉर्टकट क्या है, एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं डायगोनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, हाँ इन दोनों को जो है इंटरचेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा एडजॉइंट ए नहीं लिखोगे, हाँ एडजॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पर, किसका निकालना था 3a² + 12a का निकालना था, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 51 यहाँ पर आ गया, 72 यहाँ पर आ जाएगा, और ये दोनों जो है वैसे ही रहेंगे अपने प्लेस पर, बस इसमें माइनस साइन से क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। एक बार देख लो पहले वाला पार्ट, यहाँ पर इसमें डाउट है क्या कहीं पर भी? नो सर। सर वीआईटी कॉलेज कैसा कॉलेज है? कौन सा? वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बार वापस रिपीट करना, मतलब सर वीआईटी कॉलेज कैसा कॉलेज है सर, अच्छा कॉलेज है? नहीं मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये, कहाँ पर है ये? सर वेल्लोर। अच्छा वेल्लोर, किसके लिए? इंजीनियरिंग के लिए? तो इंजीनियरिंग के लिए तो बाहर क्यों जा रहा है, यहीं पर मतलब मुंबई में भी इतने सारे कॉलेजेस हैं, साबू सिद्दीकी वगैरह के लिए ट्राई करोगे सीईटी वगैरह से भी हो जाएगा वहां पर। सर वहां पर क्या बोलते हैं, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है सर, 5 साल में एमटेक। अच्छा लेकिन बट इंटीग्रेटेड है, लेकिन कैसा है कि जब तक हम लोग वहां पर जाकर सीखेंगे नहीं तब तक अपने को कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज होगा नहीं, भले वो इंटीग्रेटेड है अगर कैसा मतलब बाकी सब भी देखना पड़ता है ना वहाँ पर, भले इंटीग्रेटेड है लेकिन कैसा है कि तू यहाँ पर भी कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन वगैरह मिल गया मुंबई के ही, तो वो ज्यादा बेटर होता है, वो बाहर देख मतलब स्टेट मतलब सॉरी स्टेट नहीं बोल सकता है, मतलब अपना मुंबई में ही ट्राई करो ना, हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ बाहर वगैरह जाकर मतलब नहीं है इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, ठीक है यहीं पर ट्राई करोगे तो हो जाएगा वो। हाँ 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 हो गया ये सभी का? हाँ अच्छा देखो इसके बाद जो है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ ए इज इक्वल्स टू
3 1 2 4 3 1 2 4 then a into adjoint a पूछा है, a into adjoint a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहां पर ऑप्शन है पहले 10 0 0 10 है, और फिर b के लिए ऑप्शन है 0 10 10 0, c के लिए ऑप्शन है 10 1 1 10, और d के लिए ऑप्शन है none of this। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें a इंटू एडजॉइंट a फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने देखो आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है, स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखा था हमने। अच्छा, या तो फिर एक काम करते हैं यहाँ पर कि जैसे कि हमें यहाँ पर एडजॉइंट a को पहले फाइंड कर लेना है, एडजॉइंट a को फाइंड कर लेना है। अच्छा, एक फॉर्मूला ये भी याद रखो, हाँ एक फॉर्मूला ये मैंने लिखना लास्ट टाइम नहीं बताया, मतलब भूल गया, ये फॉर्मूला जो है लिख के रखो सब लोग, ये सब के लिए यूज होगा। हाँ, देखो a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट a इंटू a होता है, और वो भी इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। आई एन मतलब वहां पर जितना भी उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट a फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a इंटू एडजॉइंट a। तो अच्छा, अब हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कर देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कर देते हैं। सो a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। एन कितना, मतलब यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, सो n यहाँ पर 2 है, कितना है 2 है, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट a is equals to, अच्छा इसका डिटरमिनेंट कितना होगा बताओ, 10 आ रहा है, तो 10। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो 10 0 0 10 आ गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझा ये सभी को अच्छे से? यस सर। हाँ, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ, ये जो फॉर्मूला है a into adjoint a equals to adjoint a into a equals to determinant of a into i n है वहां पर। n क्या रिप्रेजेंट करता है वहां पर, नंबर ऑफ जो है यहाँ पर ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा वो, ठीक है, लिख लो ये अच्छे से। हो गया क्या ये लिख के? ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब हमें a इंटू एडजॉइंट a फाइंड करना होगा, ये याद रखना, a इंटू एडजॉइंट जब भी फाइंड करना होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। वैसे ही एक सम और है यहाँ पर, ये फाइंड करो सब लोग,
ये इसी पर बेस्ड है, तो ये आप लोगों को ही ट्राई करना है और आना चाहिए। हाँ नेक्स्ट समय यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, कॉस एक्स है, साइन एक्स है, माइनस ऑफ साइन एक्स है और यहाँ पर कॉस एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है देन ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए हमें फाइंड करना है। ऑप्शन से यहाँ पर ए के लिए 1001 और बी के लिए ऑप्शन है 0110। अच्छा ऑप्शन ए आ रहा है, हाँ करेक्ट है, ऑप्शन ए ही आएगा क्योंकि वहां पर जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो पहले, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। सो वन हमें मिल गया और इसके बाद में उसको आई इंटू एन से मल्टीप्लाई कर देना है। आई टू मतलब वहां पर सभी को आया क्या, ओंकार आया ये इसका आंसर, हमें पता है ना फॉर्मूला, ये ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होगा, वन हो जाएगा और यहाँ पर 1001 मींस इसका आंसर जो है फर्स्ट होगा ऑप्शन 1001। सभी को समझाइए अच्छे से। यस सर। अच्छा इस पे ही, हाँ इस पर ही थोड़ा सा यहाँ पर मतलब एक और क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। देखो इसमें ऐसा दिया है, इफ ए इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, एंड एंड ए इंटू एंड ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू के जीरो और जीरो के है, के जीरो जीरो के है, देन के इज इक्वल्स टू, देन के इज इक्वल टू, के का वैल्यू हमें पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है जीरो, सेकेंड ऑप्शन है वन, क्या आ जाएगा, वन आएगा सर, वन। हाँ बाकी लोगों को क्या मिलेगा, कितना आ रहा है, मोहम्मद कितना आ रहा था, वन आ रहा है सर, हाँ वन आ जाएगा। सॉल्व करूँ ये मैं कि या फिर आप लोगों को समझाइए, हाँ अच्छा नेक्स्ट सम देखो यहाँ पर ऐसा दिया है, नेक्स्ट सम में ऐसा बोला गया है इफ ए इज इक्वल्स टू 4324 है, 4324 है, देन एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। ए के लिए यहाँ पर ऑप्शन है 16, बी के लिए ऑप्शन है 10, सी के लिए ऑप्शन है 6 और डी के लिए ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने देखो एक फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग में, जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है वो हमेशा इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ कितना आंसर आएगा सर, 10। हाँ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अच्छा डिटरमिनेंट क्या मिलता है इसका, सिक्स
16 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब वो कितना हो जाएगा वहां पर 10 हो जाएगा, और ऑर्डर इसका जो है वो 2 है, ऑर्डर क्या है 2 है, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट हमें कितना मिला, 10 मिल गया, तो 10^2 - 1 आ जाएगा, सो 10^1 हो गया है, तो इसका आंसर जो है 10 आ गया। कंप्लीट कर लो, हाँ ये समझ। हो गया ये? अच्छा ये सम देखो, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, उसी पर बेस्ड है ये प्रॉब्लम। अगर फॉर्मूला आ जाए, याद होगा आप लोगों को, तो ये सम सॉल्व कर पाओगे। एडजॉइंट ए बी माइनस एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ऑप्शंस है यहाँ पर, ए के लिए ऑप्शन है एडजॉइंट ए माइनस एडजॉइंट बी, सेकंड ऑप्शन है आई है, थर्ड ऑप्शन है 0, और फिर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सर 0 आएगा, करेक्ट मोहम्मद, 0 आ जाएगा, 0 इसीलिए आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, शॉर्टकट्स में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि एडजॉइंट जो ए बी होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए के। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इसके जगह पर, इसकी जगह पर एडजॉइंट ए बी लिख देते हैं, तो दोनों जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी माइनस एडजॉइंट ए बी, सो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चंस जो है इजी लगते हैं, लेकिन कैसा वो फॉर्मूलाज वगैरह आप लोगों को याद होगा तभी ये आप लोग कर सकते हो सॉल्व। तो इसमें किसी को डाउट है कुछ भी? हाँ, कोई भी डाउट नहीं है ना इसमें? हाँ अच्छा, ये सम देखो जो है अच्छा है, जो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। इफ ए इज इक्वल्स टू दिया है वहां पर, इफ ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, और यहाँ पर 3 है और 7 है, ठीक है, और ए इनवर्स जो है, एंड ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें दिया है 7/34 1/17, और फिर उसके बाद जो है -3/34, और फिर उसके बाद क्या है 2/17 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है इसके लिए, ए के लिए है यहाँ पर 2, बी के लिए है यहाँ पर 3, और सी के लिए है यहाँ पर -4, और डी के लिए है +4। कैसे सॉल्व करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे ये सम को? ए दिया है और ए इनवर्स दिया है, ए गिवन है और ए इनवर्स गिवन है, हमें जो है एक्स का वैल्यू जो है फाइंड करना है। कैसे स्टार्ट करोगे बताओ? सर ए इनटू एडजॉइंट ए क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो?
इनवर्स का फॉर्मूला है ना सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू एच है। अच्छा बट हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए फॉर्मूला है, बराबर है। तो उससे क्या हो जाएगा, ए इनवर्स मिलेगा। हाँ बट ए इनवर्स हमें यहाँ पर दिया है पहले से, तो वो इक्वेट कर दोगे, करेक्ट है। हाँ, वो मेथड करेक्ट है, जो मेथड आप कह रहे हो ना वो करेक्ट है। उसमें कैसा होगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला जो है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए आ जाता है, करेक्ट। हाँ हाँ, तो ए इनवर्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा, 7x प्लस 6 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो, ये ए इनवर्स जो है बताओ कितना है, यहाँ पर 7/34 है और ये 1/17 है और यहाँ पर -3/34 है और ये 2/17 है, ओके। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 7x प्लस 6 और फिर यहाँ पर एडजॉइंट ए के लिए क्या होगा, एडजॉइंट ए के लिए जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 7 और x चेंज हो जाएंगे, तो x यहाँ पर 7, यहाँ पर x यहाँ पर, और ये -3 और ये +2 आ गया। किसी को डाउट है इसमें? आया ना? नो सर, नो डाउट। अच्छा तो एक काम करो, अब ये 1 अपॉन 7x प्लस 6 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 7 अपॉन, क्या कुछ डाउट है? हाँ निशा, देखो अब हम ना 7 के साथ में ये 1 अपॉन 7x प्लस 6 जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 7x प्लस 6 और फिर यहाँ पर -3 अपॉन 7x प्लस 6 और ये जो है x अपॉन 7x प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 7/34, 1/17, -3/34 और 2/17 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, समझे? ये हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, सो जब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो किसी भी एक टर्म को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने इसको इक्वेट कर लिया, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि वहां पर इक्वल मैट्रिक्स है, सो 7/34 बाई इक्वालिटी 7/34 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7 अपॉन 7x प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा। तो 7 7 कैंसिल कर दो, 7 7 जो है हम लोग कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल सॉरी रेसिप्रोकल कर दो, ये 34 हो जाएगा और यहाँ पर 7x प्लस 6 आ जाएगा, 34 में से 6 माइनस कर दो, 28 इज इक्वल्स टू 7x, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इजी था ये सम? यस सर। हाँ ये देख लो एक बार अच्छे से, हो गया ये सॉल्व करके?
किसी को डाउट है इसमें? बताओ। चलो फिर देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है। इफ ए इज इक्वल्स टू, लेट ए इज इक्वल्स टू, लेट ए इज इक्वल्स टू है यहां पर 1 to 1, 1 to 1 है, फिर माइनस 1 1 1 है, 1 -3 और 1 है, ठीक है। एंड 10b एंड 10b इज इक्वल्स टू, 10b इज इक्वल्स टू 4 -5 और 1 है, और यहाँ पर 2 0 -2 है, और फिर लास्ट में 2 α और 3 है। इफ बी is the inverse of matrix A, if B is the inverse of matrix A, then alpha is, first option है यहाँ पर 0, second option है 1, third option है यहाँ पर 2 और last option है 5 है। सो क्वेश्चन में देखो बोला क्या गया है, ए और 10b दिया है हमें, उसका वैल्यू गिवन है, और बी क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। अगर बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बी जो है इनवर्स है मैट्रिक्स किसका, ए का, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर बी अगर इनवर्स है मैट्रिक्स ए का तो हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, कि बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, हाँ ना? यस सर। हाँ अच्छा, तो यहाँ पर ये जो हमें दिया है ना उसको हम लोग यूज करते हैं, उसको 10b इज इक्वल्स टू, 10b इक्वल्स टू क्या है वहां पर, ये देखो 4 -5 और 1 है, और फिर 2 0 -2 है, और फिर 2 α और 3 है, ठीक है। अच्छा b के प्लेस पर हम a इनवर्स लिख देते हैं, b के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं, a इनवर्स लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 times of A inverse इज इक्वल्स टू 4 -5 और 1, यहाँ पर 2 0 -2, 2 α और 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हमें पता है कि a इंटू a इनवर्स जो होता है वो i होता है, आया ना? हाँ, तो a इंटू a इनवर्स क्या होता है, i होता है। अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, 10 times of A inverse था यहाँ पर, और राइट हैंड साइड में देखो कौन है, राइट हैंड साइड में वहां पर है 4 4 -5 और 1 है, 2 0 -2 है, और फिर 2 α और 3 है। अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स इनटू a जो है वो i होता है, तो हम दोनों साइड को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ये बताओ ये टर्म कितना आ जाएगा, ये टर्म कितना आ जाएगा, आय हो जाएगा। हाँ 10 into ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और 10 into ये आय आ जाएगा, और यहाँ पर 4 -5 और 1 ये क्या है, 2 0 -2 है, यहाँ पर 2 α और 3 है, ए का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो ए के लिए मैट्रिक्स देखोगे वहां पर 1 2 1, और क्या है, -1 + 1 + 1 है, और है 1 -3 और + 1 है, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स हो जाते हैं। अब इन दोनों को हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, अच्छा 10 इंटू आई कर दोगे तो क्या मैट्रिक्स मिलेगा, 10 को अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 0 0, फिर 0 10 और 0 आ जाता है, फिर लास्ट में 0 0 10 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि जो फर्स्ट वाला रो है, फर्स्ट वाले, अच्छा एक काम करो, सेकेंड रो ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें अल्फा का वैल्यू ही फाइंड करना है, तो सेकेंड रो को ही ध्यान से देखो, सेकेंड रो को ध्यान से देखो, ये अगर हम लोग -5 को ठीक है 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर -5 आ जाएगा, और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो मतलब ये फर्स्ट वैल्यू -5 + α होने वाला है, आया ना?
वैल्यू मुझे पाएगा, क्या अल्फा वैल्यू बराबर। देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में अब इसको हम इक्वेट कर देते हैं दोनों साइड से, तो माइनस फाइव प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, सो अल्फा विल बी फाइव। समझा है आप अच्छे से सबको ये? प्रीवियस पेज देख लो एक बार, कहीं पर भी डाउट है तो इसमें पूछो एक बार, क्वेश्चन ध्यान से देखो फिर हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है वो सब एक बार देखो अच्छे से क्लियर है कि नहीं है। सर क्वेश्चन क्लियर किया है। यस सर नेक्स्ट पेज। डन सर। हाँ तो ये सम कंप्लीट होने के बाद में, अच्छा ये टाइप सब समझ रहा है ना आप लोगों को इनवर्स वाले? हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड सिर्फ। हाँ हाँ जैसे कि ये सम है यहाँ पर, एक सेकेंड। हाँ हाँ देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया है वहां पर कि इफ ए इज इक्वल्स टू 3201 है, 3201 है, इफ ए इक्वल्स टू 3201 है ठीक है, और उसमें ऐसा बोला है देन देन ए इनवर्स द होल क्यूब इज इक्वल टू। अच्छा फाइंड करो, ये आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है, ये आंसर आना ही चाहिए। हाँ इसका 1/27, 1 माइनस 26 और 0/27 है ठीक है। बी ऑप्शन है इसका 1/27 और फिर -1 0 26 27। सी ऑप्शन है 1/27 और फिर यहाँ पर ये 1 0 -26 और -27 है, और लास्ट ऑप्शन है 1/27 -1 -1 -26
और फिर जीरो है और माइनस 27 है। चलो स्टार्ट करो सब लोग, ये सब आना ही चाहिए। हाँ पहले इनवर्स फाइंड करो बाय शॉर्टकट मेथड जो है से हमने स्टार्ट किया था पहले। आ रहा है समझिए आप लोगों को? आया किसी को इसका आंसर? मोहम्मद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर्षदा, अनिशा? हाँ नहीं आया। अच्छा अच्छा सॉल्व करो। मैं सॉल्व करूं क्या सर? क्वेश्चन आपने सही लिखा है। हाँ क्वेश्चन सही है। 3021 a माइनस a सॉरी a इनवर्स ऑफ a इनवर्स पहले फाइंड करना है फिर उसका क्यूब निकालना है। क्या रहा है आपका आंसर? लेकिन ये 26 नहीं मिल रहा सर, कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं मालूम। 26 की जगह मुझे 1। देखो देखो कहीं पर मिस्टेक हुई रहेगी। सर आप सॉल्व करो ना। हर्षद आ गया ऑप्शन ए। अच्छा देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। पहले तो ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं हम लोग एडजॉइंट मेथड से। ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं इसको एडजॉइंट मेथड से। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। यहाँ पर ए इनवर्स निकालते हैं इसका। ए इनवर्स जो होगा यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 3 माइनस 0 हो जाएगा मतलब ये 3 आ जाएगा और एडजॉइंट ए क्या मिल जाएगा हमें 1 और 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस 2 और 0। इतना सबको सेम मिला? Yes, sir. हाँ अच्छा इसका क्या फाइंड करना है? क्यूब फाइंड करना है। ए इनवर्स का क्या फाइंड करना है? क्यूब फाइंड करना है मतलब हमें 1/3 और फिर क्या था यहाँ पर 1/3 यहाँ पर 1 3
और फिर ये 0 और माइनस ऑफ 2, इसका क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। अच्छा 1/3 का क्यूब कितना होगा, 1/27 हो जाएगा, ठीक है 1/27 होगा, और इसको 3 times लिखो, 1 minus 2 0 3 into 1 minus 2 0 3 और फिर वापस 1 minus 2 0 3। यहां तक सभी को आया था? यस सर। अच्छा अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 0 आ जाएगा, फिर इसको क्या आ जाएगा, -2 और -6, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 और ये भी 0 हो जाएगा, फिर वो 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर इनटू ये वैसे रखो 1 0 -2 और 3 आ गया। सो ये क्या आ जाएगा, 1/27, ये होगा 1 minus 8 0 और 9 इनटू 1 0 -2 और 3 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो वापस इसको, 1/27 1/27, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर वो माइनस ऑफ 2 और माइनस कितना आ जाएगा, ये 24 आ गया, 24 आ जाएगा, ठीक है ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 से 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा 0 आ जाएगा और ये भी 0, 9/27 आ गया। तो इसका आंसर जो होगा 1/27 और ये होगा 1 minus of 26 0 और 27। हर्षदा आपका ऑप्शन करेक्ट है। किसी को ये प्रॉब्लम में डाउट है? आया ना? अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा दिया है, ए के लिए मैट्रिक्स है, ए के लिए मैट्रिक्स है 0 3 2 0 है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा दिया है ए इनवर्स जो है ना, वो इनवर्स ए इनवर्स जो है वो इक्वल है लैम्डा एडजॉइंट ए के, ठीक है। देन हमें पूछा गया है वहां पर, देन लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। सो हमें ए के लिए ऑप्शन है 1/6 -1/6, बी के लिए स्टूडेंट्स ऑप्शन है यहाँ पर 1/3, सी के लिए ऑप्शन है -1/3 और डी ऑप्शन है +1/6 है, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या मिला कैसे सॉल्व करो। हाँ सर -1/6 -1/6 कैसे सॉल्व किया इसको सर, ए का डिटरमिनेंट निकाला सर, उसके -6 मिला सर सर, और लैम्डा और सर इस फॉर्मूला करेक्ट करेक्ट। देखो ए इनवर्स का ना जो है यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है वो है लैम्डा इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है, और वैसा फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए होता है, करेक्ट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, तो जब फर्स्ट और सेकंड को देखोगे दोनों को इक्वेट कर दो तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर जो लैम्डा होगा वो 1/mod of a के इक्वल होगा, आया ना? यस सर। हाँ तो ये 1/ क्या आ जाएगा यहाँ पर, -6 आ गया, तो ये -1/6 आ गया, समझा सबको ये समझ से? यस सर। ठीक है तो ये देखो एक सम वापस यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन में ऐसा दिया है a इज इक्वल्स टू 1 0 0, a इक्वल्स टू 1 0 0 है,
फिर उसके बाद में 0, 1, -2 है, 0, 1, -2 है, फिर बाद में 0, 1 और 4 है, ठीक है, क्या है 0, 1 और 4 है। और i के लिए दिया है हमें यहां पर, i के लिए दिया है 100 और फिर 010 और 001 दिया है, ठीक है। और हमें a इनवर्स अगर फाइंड करना है यहां पर, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/6 दिया है, सॉरी a इनवर्स नहीं फाइंड करना है, एक कंडीशन दिया गया है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/6 a स्क्वायर प्लस c इंटू a प्लस d इंटू i, वेर c कॉमा d बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेर c कॉमा d बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन पेयर ऑफ वैल्यूज, देन पेयर ऑफ वैल्यूज c कॉमा d इज क्या है यहाँ पर, पहला ऑप्शन 6,11 है, 6,11 है, और b के लिए ऑप्शन है, b के लिए ऑप्शन है 6,-11, और c के लिए ऑप्शन है, c के लिए ऑप्शन है -6,11, और d के लिए ऑप्शन है, d के लिए ऑप्शन है -6 और -11 है। अच्छा तो कैसे ट्राई, कैसे स्टार्ट करोगे ये सम को, हाँ कैसे स्टार्ट करोगे ये सम को, सर a स्क्वायर करेंगे सर, क्या करोगे पहले a स्क्वायर करेंगे, बराबर a स्क्वायर करोगे, ठीक है, पहले a स्क्वायर करेंगे, फिर एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग ना ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट फाइंड कर लेते हैं, ये वाला पार्ट फाइंड करने के बाद में उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे, उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा ये रिलेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस डी आई लिख सकते हैं, डी आई लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सी और डी का वैल्यू हमें फाइंड करना था, हाँ तो ए इनवर्स हम लोग पहले फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, फिर ए का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आई का वैल्यू भी पुट कर देना है, फिर सबको सबको ये राइट हैंड साइड में सारे मैट्रिक्स को एक ही में कन्वर्ट कर देना होगा, और फिर ये साइड में 6 इंटू जो ए इनवर्स मिला उसको, फिर ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में दो मैट्रिक्स मिलेगा, फिर दोनों को इक्वेट करके हमें सी और डी मिल जाएगा, समझा सभी को ये सम, आया ना, सर करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हो, सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ नहीं मतलब कर लोगे ना ये बाद में घर पे, हाँ सर ट्राई करेंगे, हाँ ये ट्राई करना आप लोग, ये चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, पहले 3 मिनट बाकी है तो हम लोग एक सम और कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस पर सम पेंडिंग है, इनवर्स वाले पर तो सम हो गया, एडजॉइंट पर भी हो गया, एक सम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। इसमें ऐसा दिया है, इफ ए इज एन 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज एन 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए एंड बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, देन b into b complement equals to, इसका हमें वैल्यू पूछा गया है, ऑप्शन है कुछ यहाँ पर, b इनवर्स b के लिए b इनवर्स और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, c के लिए यहाँ पर i प्लस b और d के लिए वहां पर 1 है। अच्छा तो देखो हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, फाइंड क्या करना है, b into b complement निकालना है, ठीक है, तो b into b complement अगर फाइंड करना है तो b का वैल्यू पुट कर दो, b के लिए कौन है a इनवर्स इंटू ए कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर भी ए इनवर्स इंटू ए कॉम्प्लीमेंट और इसका भी कॉम्प्लीमेंट, इतना समझा सभी को, हाँ हाँ। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना होगा, ए इनवर्स इंटू ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा ये देखो इसका कुछ हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ना, ए इनवर्स
कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, अच्छा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट हो जाएगा, आया ना? अच्छा अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए के इक्वल है, तो अब एक काम करते हैं इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आ जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पावर में, और फिर यहाँ पर जो है ए इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट है और फिर ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब अच्छा ये बताओ ए इनवर्स इंटू ए कौन होता है, आई, हाँ ये होता है आई होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में यहाँ पर देखो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है, तो ए इनवर्स इंटू ए दी होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। किसी को डाउट है क्या इसमें? कुछ डाउट है इसमें? हो गया सर। मैम बस एक मिनट, हाँ सिर्फ एक मिनट, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों ने, हाँ अच्छा इसके बाद जो है, हाँ इसके बाद जो है ये आए हैं, अच्छा ए इंटू ए इनवर्स कौन होता है, आय होता है, आय का अगर कॉम्प्लीमेंट भी निकालोगे तो वो हमेशा आय ही मिलेगा, तो आय स्क्वायर हो जाएगा, ये आय स्क्वायर क्या होगा मतलब आय ही होगा ना यहाँ पर, समझा या नहीं समझा ये सबको समझ से, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, ठीक है, इसके एप्लीकेशन पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, तो फिर ये टॉपिक हमारा जो है कम्प्लीट हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो कुछ डाउट है अभी? ठीक है चलो फिर हम लोग स्टॉप करते हैं आज के लिए। हाँ हर्षदा एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड जी मैम, स्टॉप कर दीजिए।